सरकारी व्यवस्था के प्रति आम लोगों का रवैया बहुत उदासीन होता है। क्या कहें कि इसे हम भरोसा ही नहीं होता कि कोई सरकारी चीज इतनी बेहतर हो सकती है। अस्पताल के मामले में तो और भी ज्यादा, लेकिन देवघर के सदर अस्पताल स्थित MTC यानी कुपोषण उपचार केंद्र आकर एकदम अलग ही अनुभव होता है। कभी बस यही है कि इतनी अच्छी व्यवस्था के बावजूद मरीज बहुत कम आते हैं, क्यों देखें इस रिपोर्ट में। कहीं पर दिखते मोटू पतलू, कहीं पर दिखता छोटा भी, कहीं दिखेगी टॉम एंड जेरी की मस्ती तो कहीं दिखेगा डोरेमोन, और कहीं पर ABCD। ये कोई प्ले स्कूल या हॉस्टल या फिर चाइल्ड कोविड वार्ड नहीं है, बल्कि ये है देवघर सदर अस्पताल स्थित कुपोषण उपचार केंद्र यानी माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर यानी MTC। यकीन नहीं होता ना कि जो सरकारी अस्पताल अपनी लचर व्यवस्था की वजह से कुख्यात होते रहे हैं, वहाँ बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने वाला कोई ऐसा केंद्र भी हो सकता है। अब आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि दिख तो ये अच्छा रहा है, लेकिन इलाज कैसा होता है? तो एक बात की जुबानी आप खुद सुन लीजिए। और बादाम का चूरन मिलता है। अच्छा, उसके बाद दोपहर में खिचड़ी और शाम में हलवा देती है। तो फायदा लग रहा है ना बच्चा, जब आप आई खाई की तब से अंतर आया है? तो थोड़ा सा तो लग तो रहा है। लग रहा है ना? हाँ। कोई दिक्कत यहाँ नहीं है? नहीं है। यहाँ की व्यवस्था और माहौल ऐसा है कि भर्ती होते ही बच्चे की आधी बीमारी यूं ही खत्म हो जाए, लेकिन विडम्बना की पिछले एक साल में सिर्फ 49 बच्चे ही यहाँ पर भर्ती हो पाए। 49 ही बच्चे आए हैं MTC में, ये सदर अस्पताल देवघर। हम लोग चाहते हैं कि कुपोषण बच्चा का संख्या बढ़े, लेकिन क्षेत्र से बच्चे नहीं आ रहे हैं। क्षेत्र से बच्चे का लाने में जो है सो आंगनवाड़ी सेविका सैया इन लोग का काम है कि हम अपने क्षेत्र से चिन्हित करके बच्चे को लाएं। यहाँ सरकार ने इतना फैसिलिटी दे रखी है कुपोषण बच्चे के प्रति जो है सो मदर को माँ को 100 रुपया प्रतिदिन के दर से मिलता है, खाने के मद में पैसा दिया जाता है। इस केंद्र के बारे में लोगों को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए कल्याण विभाग से जुड़ी सेविकाएं लगातार प्रयासरत हैं, जो इस योजना और केंद्र की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचा रही हैं। इच्छा हम लोग चाहते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में कुपोषण बच्चा क्षेत्र से आए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इलाज किया सके। पदाधिकारी से हम आग्रह करेंगे कि उनके अंतर्गत जो भी CDPO सुपरवाइजर उनके अंतर्गत जो है सो आते हैं आंगनबाड़ी सेविका, उन लोग को बोल के यहाँ कुपोषण बच्चे को भर्ती कराएं। राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने में ऐसे केंद्र अहम भूमिका निभा रहे हैं। जरूरत ऐसे मॉडल व्यवस्थाओं के प्रचार प्रसार की और उन व्यवस्थाओं को हर जगह सही तरीके से लागू करने की है। News 11 भारत के लिए देवघर से मनीष राज की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।